बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल इसे लेकर ज्ञापन सौंपेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र को आज ज्ञापन दिया जाएगा। बीजेपी पदाधिकारी, सांसद और विधायक भी एक साथ इस प्रदर्शन में शामिल रहने वाले और मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे। तो महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और इसी को लेकर एक और प्रदर्शन बीजेपी की ओर से। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय के खिलाफ जोधपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। परवादी दिनेश कुमार जोशी ने राहुल गांधी के फोटो में रावण जैसा उन्हें दिखाने और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है। अब 9 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई होगी। तो वहीं जयपुर में बीजेपी नेता अलका गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बिना बजटीय एलोकेशन कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने राजस्थान में रेवड़ी बांटने का नया ट्रेडिशन शुरू किया है। देखिए, ये थोथे आंकड़े वो कहां से लाते हैं? पहले 10 में भी नहीं है, पहले 10 में भी राजस्थान नहीं है। राजस्थान की स्थिति ये हो गई है कि अब जो सरकार आएगी उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगा बजटीय प्रावधान करना। कर्ज की जो सीमा होती है उस वहां तक ये कर्ज ले चुके हैं और अब प्राइवेट बैंकर्स से कर्ज ले रहे हैं। स्थिति ये है कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर या ऑटोनोमस सेक्टर्स हैं उनसे ऋण लेकर वो ये उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वो आगे ऋण लें। तो पूरी कहा जाए आर्थिक जो ताना बाना है राजस्थान का, ये पूरी तौर पर ध्वस्त कर चुकी है ये सरकार। और आने वाली सरकार के लिए निश्चित रूप से सबसे पहला काम इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। इन्हें पता है ये तो आ नहीं रहे, इसलिए ये रेवड़ियां भी बांट रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं और जो चाहते हैं वो बोल रहे हैं। बोलने से किसी को कोई नहीं रोक सकता। और अब खबर क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी आपको बताते चले। आज भारत अपना पहला मैच खेलेगा चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में। दोपहर 2 बजे ऑस्ट्रेलिया से भारत की भिड़ंत होगी। इस महामुकाबले में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलियाई टीम जहां रिकॉर्ड 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, तो वहीं भारत 2 बार वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में ऐसे प्लेयर्स की फौज है जो इस महामुकाबले में टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा सकते हैं। वहीं भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं, इसीलिए काफी रोमांचक मुकाबला होने की संभावना है। इस मैच का भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ दुनिया भर के प्रशंसकों को बेसब्री से इंतजार है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।